देखिए, राहुल गांधी जी की अपरिपक्वता दर्शाता है। आज से नहीं, इस सत्र की शुरुआत से पीएम साहब ने डे जीरो पे कहा, नेता जो हमारे राज्यसभा में है पीयूष गोयल जी ने कहा, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, विपक्ष अड़िग था, विपक्ष अड़ा हुआ था, विपक्ष स्टबन बिहेव कर रहा था। ऐसे नहीं होता है, लोकतंत्र में संवेदनशीलता होनी चाहिए। किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण, खास करके हिंसा का राजनीतिकरण, वायलेंस का पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार से विपक्ष ने किया है। देश के सामने उनका असल चेहरा एक्सपोज हो गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केवल टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक ही भारत माता को बांटने मारने की बात सोच सकते हैं। उन्हें मणिपुर की महिलाओं की चिंता नहीं है, वे संविधान और भारत माता की हत्या के बाद की बात करते हैं। राहुल गांधी को राजस्थान की महिलाओं की चिंता नहीं है, आप पश्चिम बंगाल बिहार मणिपुर की महिलाओं में अंतर करते हैं। ये बड़ी बात है और ये उचित भी है कि अब मणिपुर की महिला हो, राजस्थान की महिला हो, मध्य प्रदेश की महिला हो, छत्तीसगढ़ की महिला हो, महिला महिला में अंतर क्यों बनाना? आपको पॉलिटिकली जहां सूट करता है आप वो मुद्दा उठाइएगा, पॉलिटिकली जो आपके लिए असुविधाजनक है आप उसको नहीं उठाइएगा। ये जो सिलेक्टिविटी की पॉलिटिक्स है, आप सेलेक्ट आधार पर जहाँ आपकी सरकार नहीं है वहाँ के मुद्दे का राजनीतिकरण करेंगे और वहाँ की महिलाएं आपकी चिंता का विषय बन जाती है। बाकी प्रांतों में महिलाओं की सुरक्षा आपकी चिंता का विषय नहीं है। ये सिलेक्टिविटी माइंडसेट से हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कभी नहीं सोचा था कि हम मणिपुर पर चर्चा के लिए सहमत होंगे। जैसा कि पीएम और गृह मंत्री ने कहा था कि हमें इस मुद्दे पर समस्या होना चाहिए, आज जैसा कि खैर राहुल गांधी ने क्या क्या कहा है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जवाब नहीं सुना है, वह सदन में नहीं आए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तथाकथित सबसे पुरानी पार्टी बहुत गैर जिम्मेदारान व्यवहार कर रही है। देखिए, जब उनको मौका मिला नो कॉन्फिडेंस मोशन पे विपक्ष की तरफ से डिबेट खोलने का अवसर आपके पास था, आप उस दिन तो भाग गए, आपकी तैयारी नहीं हुई, बैठ करके आपकी तैयारी की गई, आपको ट्रेनिंग दिया गया, लेकिन उसके बावजूद इतना अपरिपक्व भाषण, ऐसा इमेच्योर भाषण, ना तथ्य है, ना तर्क है, ना ही हिस्टोरिकल इंसाइट है, कोई ऐतिहासिक दृष्टि आपके पास नहीं है, जो भी मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं। थोड़ा अध्ययन करिए, थोड़ा तैयारी करिए, जनता ने सदन में आपको जवाब मिल गया है। नो कॉन्फिडेंस यदि किसी में है तो यूपीए में है, यूपीए के नेताओं में है, यूपीए के नेतृत्व में है, यूपीए की नीतियों में है। देश आज भी, सदन आज भी मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा है। आप सांसद संजय सिंह ने अपने और राघव चड्ढा के निलंबन पर कहा कि पीएम मोदी की मंशा मणिपुर की हिंसा के बजाय संजय सिंह को रोकने में, वे विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। वे अधीर रंजन चौधरी का निलंबन, राघव चड्ढा के निलंबन और राहुल गांधी के निलंबन पर बोलते हुए कि हम इन सब बातों से डरते नहीं और लड़ते रहेंगे, राघव चड्ढा का निलंबन निराधार। देखिए, लोकतंत्र की मर्यादा होती है, संसद की मर्यादा होती है, और इस मर्यादा के उल्लंघन का अधिकार किसी के पास भी नहीं है। आपको किसने अधिकार दिया? भाई, सांसदों ने खुद कहा है, और सिर्फ बीजेपी के सांसदों ने थोड़ी कहा है, बीजेडी के सांसदों ने कहा है, डीएमके के सांसदों ने कहा है कि हमारी फॉर्जरी सिग्नेचर की गई है। तो आप यदि मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो आपको, आपके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई होगी, क्योंकि सदन और संविधान देश में सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। यूपी में जातीय गणना कराने की कोई योजना नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया। देखिए, हमें समझने की आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में हमने देखा है कि बिना जातिगत जनगणना के भी आप हाशिए के लोगों को सम्मान और प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। दलित समाज की 3 महिलाओं को कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है, ऐसा पहले हुआ था क्या? जो जातिगत जनगणना की बात अखिलेश जी करते हैं, लालू जी करते हैं, उन्होंने अपने यहाँ कितना सम्मान दिया है, उन्होंने अपने यहाँ कितनी भागीदारी और कितनी हिस्सेदारी दी है, तो ये दर्शाता है कि आपका कमिटमेंट, आपकी प्रतिबद्धता सामाजिक न्याय के प्रति कितनी है।